कई बार जब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इसके बारे में ये समझा होगा या फिर आप लोगों ने ये सुना होगा या जाना होगा कि सबसे पहले जो जीवन है पृथ्वी पर वो पैदा हुआ था पानी के अंदर, यानी कि जब धरती पर पानी आया तो उसके अंदर यहाँ पर जीवन उत्पन्न हुआ और तब से लेकर यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ। तो इसी के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर होना चाहिए, जिसके बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये है जेलीफिश। जेलीफिश को ये बताया जा रहा है कि लगभग ये 650 मिलियन ईयर पुरानी है, जो कि लगभग डायनासोर और जो साग जो कि काफी पुराने माने जाते हैं उनसे भी काफी पुरानी है। ये छोटा सा एक डेटा है आप लोगों के सामने जिसका आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आज है 31st में काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। PIB न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, तो काफी शानदार पैकेज है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनो मैगजीन। और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है, जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ओथ सेरेमनी चल रही है हमारी कंट्री में नई गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अभी जो अमित शाह जी हैं वो भी अब की बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, अब देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री उनके पास होने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग जोड़ी रहने वाली है, जिस तरीके से मोदी जी और शाह जी के द्वारा इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो भी चीजें की गई, अब आने वाले टाइम में देखते हैं गवर्नमेंट कितने शानदार तरीके से चलाई जाती है। आई होप कि अच्छे से यहाँ पर गवर्नमेंट चले और हमारी कंट्री में खासकर जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर न्यू गवर्नमेंट। अभी यहाँ पर साइड में ही मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तो अभी आधे से ज्यादा जो मंत्री हैं वो अपनी ओथ ले चुके हैं। आप भी अगर इस तरीके के प्रोग्राम हुआ करें उनको जरूर देखा करो, ठीक है ना। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। कम से कम आप लोगों को अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर होता है, किस तरीके से चुना जाता है। कई सारी ऐसी वीडियोज होती हैं यूट्यूब पर जब मैंने कई बार देखी हैं, उनमें लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है। ऐसी भी जनता है हमारी कंट्री में, मतलब शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके जो लोग हैं। हालांकि देखिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तो जान जाते हैं, पर लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं कम से कम उनको भी पता होना चाहिए ये सारी बातें, तो क्योंकि उन्हीं की वोट के द्वारा वो चुनकर वहां तक पहुंचे हैं। चलिए जो भी है इनके बारे में आप लोग जरूर देखा कीजिए, खासकर अपनी जो 26 जनवरी की जो परेड होती है वो जरूर देखा कीजिए। और ये एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहता है, 5 साल में एक बार ये जिस तरीके से यहाँ पर ओथ सेरेमनी चल रही है, तो ये चीजें आप लोग इनको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा इसी सिस्टम का पार्ट आप लोग आगे बनने जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। आप एक यंग जनरेशन है तो आप ही के कंधे पर आगे आने वाले टाइम में ये कंट्री चलनी है, तो आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जरूर। और इन सब चीजों से काफी दूर रहो अगर लाइफ में आप लोगों को अपना एक शरीर हष्टपुष्ट शरीर बनाना है। जैसे तबैको की बात की जा रही है, वर्ल्ड एंटी तबैको डे, यानी कि तबैको वगैरह कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। 31 मई यहाँ पर आप लोगों के सामने वर्ल्ड एंटी तबैको डे। तो ये जो तबैको डे है सीधा सीधा पर्पज ये होता है यहाँ पर कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाया जाए ताकि यहाँ पर इन चीजों को ज्यादा यूज नहीं किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं आप लोग बोल सकते, इस तरीके से आप लोग उनको समझ सकते हैं, यानी कि अपने आप ही गड्ढा खोद के उसमें कूदने वाली बात ये हो जाती है। तो तबैको एंड लंग्स हेल्थ की बात यहाँ पर की जा रही है जो कि काफी खतरनाक आप लोग बात यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के चलते अगर यहाँ पर देखने को मिले तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए इन सब चीजों के बारे में पता होता है लोगों की, हाँ ये गलत इंपैक्ट डालती है। इवन सिगरेट खरीदते हैं या कोई भी आप लोग किसी तरीके का नशा करते हैं तो उसमें भी प्रॉपर लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसको किया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेसिक फोकस ही रहता है कैसे यहां पर इसको रोकना है। तो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और क्या थीम है इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने छोटा सा क्विज है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करें, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा और फिर आप लोग मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर यामा कॉरपोरेशन के बारे में, ये कौन सी कंट्री की एजेंसी है जो हमारी कंट्री में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हब बनना चाह रही है, यानी कि हमारी कंट्री में फैक्ट्री लगाएंगे जिसके तहत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह बनाए जाएंगे। मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि रिसेंटली अभी स्पीकर नियुक्त किए गए हैं पार्लियामेंट या फिर मजलिस बोलते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट को, उन पर्सनैलिटी का नाम क्या है। काफी लंबे समय तक ये हमारी जो एम्बेसी है इस कंट्री में वहां पर ये रहे क्योंकि इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो काफी जद्दोजहद यहाँ पर इनको फेस करनी पड़ी। आगे बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है ताकि जो LTTE है यानी कि लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम, जिनको जो तमिलनाडु के अंदर भी खासकर और हमारी कंट्री के अंदर भी एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया जा चुका है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाना है और कब तक इसके कंटिन्यू रखना है ये दर्जा, जो इसको ये टेररिस्ट एक्टिविटी का दर्जा दे रखा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का मर्डर किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कब से इनके ऊपर बैन लगा हुआ है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है ये। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अभी डिसाइड किया गया जो भी PhD की डिग्री दी जाती है उनके द्वारा जो थीसिस यहाँ पर प्रस्तुत की
जाती है वो बोला गया है काफी डुप्लीकेसी देखने को मिल रही है और अप टू द मार्क नहीं है आज की डेट में जो थीसिस निकल कर आ रही है पीएचडी डिग्री लेने के बाद में। तो ये कितने साल तक का रिव्यू करने के लिए बोला गया है ये आप लोगों को बताना है। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। और जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने की बात चल रही है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया अभी आकाश 1S। आप लोगों को ये बताना है कैसी मिसाइल है यानी कि कहां से कहां पर वार करती है ये आप लोगों को बताना है जो कि उड़ीसा से लॉन्च की गई थी। इसी के साथ में आप लोगों को न्यूज़पेपर का नाम बताना है जो हमारी कंट्री का फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था और ये 30 मई 1826 में कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है कौन सी पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का यानी कि जर्नलिज्म। तो यहाँ पर काफी बड़ी बात ये हो जाती है हमारी कंट्री में जब इसको स्टार्ट किया गया तो कम से कम ये हिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें हमारी रैंक 138 थी पहले अब 140 हो गई है क्योंकि 2018 में लगभग 6 जर्नलिस्ट की जान गई है हमारी कंट्री में। तो जर्नलिज्म के खिलाफ जो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो पास्ट में बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आंसर अभी बताऊंगा मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा। ओके अभी जो ओथ ले रहे हैं यहाँ पर मोबाइल में मैंने साइड में चला रखा है थोड़ा सा ये बिल्कुल साइलेंट करके आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ पर ओथ ले रहे हैं तो देखते हैं मैक्सिमम जो चेहरे मुझे देखने को मिले स्मृति ईरानी जी हो गई इसी तरीके से हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई ये मैक्सिमम अब तक पुराने ही चेहरे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अमित शाह जी नए थे और दो तीन पर्सनैलिटी अभी नए दिखे हैं देखते हैं कौन कौन अभी चेहरा नया आता है। मंत्री के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए 5 साल तक ये लगभग मंत्री रहने वाले हैं तो कम से कम आप लोगों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। डे बाय डे कोई ना कोई मिनिस्ट्री आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलेगी तो किसी का भी नाम आप लोगों को नहीं भूलना है रटना नहीं है समझना है अंडरस्टैंड करना है। 2-4 बार देखोगे कई बार मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर भी इनका नाम लेता ही रहता हूं तो इस तरीके से आप लोगों के याद हो जाते हैं। तो रेगुलर आप लोगों को इनके एक तरीके से जानना है क्योंकि कोई भी मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहा है और उसकी मिनिस्ट्री आप लोगों को नहीं बताओगी तो आप लोग चीज़ों की गहराई नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो ये कोशिश जरूर कीजिए। यामा कॉरपोरेशन ये जापान की हमारी कंट्री में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली है। नेक्स्ट बात की जा रही है मालदीव की तो मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नसीद उनको स्पीकर नियुक्त किया गया है इनका नाम याद रख सकते हैं। इन 1991 में यानी कि 1991 में यहाँ पर इनको ये LTT के ऊपर बैन लगाया गया था हमारी कंट्री के द्वारा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर बात करें तो 10 साल तक की बात की जा रही है यहाँ पर 10 साल तक की जो PhD डिग्री है उनको रिव्यू किया जाएगा। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह है अंडमान आइलैंड ठीक है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो अभी DRDO के द्वारा ये आकाश 1S जो यहां पर टेस्ट फायर की गई है अभी ये सरफेस टू एयर मिसाइल है ठीक है तो ये उड़ीसा से अभी टेस्ट फायर की गई। उदांत मार्तंड ये है यहां पर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो हमारी कंट्री में पब्लिश किया गया था ये इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा और ये वीकली हुआ करता था ट्यूजडे टू ट्यूजडे ठीक है ये भी क्वेश्चन हल्का सा स्टेटमेंट की फॉर्म में कई बार बन जाता है। नेक्स्ट बात करें जुगल किशोर शुक्ला जी है वो पर्सनैलिटी जिनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ठीक है तो जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा जुगलबंदी करके अंग्रेजों के टाइम पर ये स्टार्ट किया गया था ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं जुगलबंदी जुगल किशोर ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी करिए थोड़ा सा याद होना चाहिए स्टेटमेंट सामने हो तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो बेसिक पर्पज ये रहता है इस तरीके की टर्म बोलने का। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है हमारी कंट्री में एशियन यूथ चैंपियनशिप तो यहाँ पर डॉक्टर रोहिणी राव ये लीड करने वाली है हमारी कंट्री में और ये जो ऑल वुमेन इंडिया टीम है J80 वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर अभी जो स्पेन में जिसका नाम है बिलबाओ यहाँ पर ये होने वाली है 13 जुलाई से 20 जुलाई तक J80 जो है मॉडर्न स्पोर्ट बोट चैंपियनशिप जो कंपटीशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा और हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी भी पार्टिसिपेट करेंगी यहाँ पर। तो पूछा जा सकता है पर्टिकुलर कहाँ पर हो रहा है किसके द्वारा हमारी टीम लीड की गई है तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं और पीयूष गोयल जी भी आ गए पीयूष गोयल जी उतरे रहे हैं साथ ही साथ में आप लोगों को देखो मैं साथ में मतलब और सेरेमनी भी आप लोगों के साथ में लेके चल रहा हूँ ठीक है। आगे बात करते हैं अगर बात की जा रही है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में तो अगर इसके हिसाब से माने तो इसके द्वारा MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि लघु उद्योग जिसको आप लोग बोलते हैं लघु सूक्ष्म एवं मध्य उद्योग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो इसके द्वारा अभी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है एक तरीके से किसके साथ में यह नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेशन के साथ में
तो यहाँ पर ये मिलकर काम करने वाले हैं, किस तरीके से हमारी कंट्री में मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ये सारी सर्विस सुधारी जा सकती है, ताकि अच्छे से जो लघु उद्योग है उसको यहाँ पर सपोर्ट मिल सके, उसको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। लघु उद्योग बिल्कुल वही होता है जो बिल्कुल जनता से कनेक्ट रहता है, कोई भी अगर किसी भी तरीके का कार्यक्रम किया जाता है तो उसके बारे में आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि गाँव में कोई आप लोगों ने बिजनेस लगा दिया छोटा सा, तो उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। मलेशिया के द्वारा यहां पर काफी अच्छा स्टेप उठाया गया, इनकी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर लगभग 3000 मीट्रिक टन नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक डंप किया जाता था, और ये अभी इन्होंने इनको रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या करते थे, इसको यूज किया जाता था, पर अभी यहां पर इसको रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया है, और ये इनके द्वारा यहां पर रिटर्न जो किया गया, अभी ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां से आ रहा था वहां से इसको रिटर्न कर दिया गया। लगभग बोले जा रहे हैं कि 60 कंटेनर के करीब इनके द्वारा वापस किए गए हैं। तो ये कंट्री है मलेशिया, आगे से यहां पर ऐसा नहीं होगा, और हो सकता है हर एक कंट्री ये स्टेप उठाए तो एक अच्छी बात आप लोग आने वाले टाइम में बोल सकते हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं यहां पर अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, जिनके पास में पहले जो मिनिस्ट्री थी कोई ज्यादा फेरबदल मुझे नहीं लगता है कि किया जाएगा, छोटे मोटे चेंजेस कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे इक्का दुक्का। ठीक है, बाकी पुराने ही रहेंगे मैक्सिमम। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा सौभाग्य स्कीम के तहत यहां पर बोला जा रहा है कि 24 घंटे के करीब यहां पर जो बिजली देने की कोशिश यहां पर की जाने वाली है, खासकर जहां एग्रीकल्चर काम होता है। मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो खेतों में सिंचाई की जाती है और भी कई सारे काम होते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो गाँव में भी एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जाती है, पर लेकिन बहुत कट होता है, कहीं 2 घंटे आ रही है, कहीं 4 घंटे आ रही है। आपने भी अपने आसपास वाले एरिया में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या हालत रहती है, तो उसी के चलते यहां पर उसको सुधारने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो कि एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जॉन बेली के बारे में, ये प्रेसिडेंट है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड द साइंस। क्या है ये है ओस्कर, जिसको आप लोग ओस्कर बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, बजट सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, तो यहां पर ये क्या है इसको बोलते हैं आप लोग ओस्कर एकेडमी। तो इसके द्वारा यहां पर ई लॉन्च किया गया हिंदी ट्रांसलेशन जो एकेडमी पब्लिकेशन होता है डिजिटल डेलिमा के नाम से न्यू दिल्ली में। यहां पर टेक्नोलॉजी कैसे लेकर चलनी है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी क्या क्या है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन खासकर प्रोवाइड कराया जा सके प्रॉपर वे में, क्योंकि मैक्सिमम हमारा सिनेमा जो है वो आप लोग हिंदी जगत का सिनेमा बोल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी के चलते आज के दिन में साउथ की जो मूवीज हैं वो भी आप लोगों को ट्रेंडिंग में नजर आती होगी कई बार, और वे मूवीज भी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है जो हिंदी में डब हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जनता है हमारी कंट्री में वो हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाती है, तो इसलिए यहां पर इस तरीके से चीजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके, बेसिक पर्पज इसका आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहां पर बात की जा रही है लगभग 34 मेंबर्स के द्वारा अभी पैनल है यहां पर एंथ्रोपोसिन, ये वर्किंग ग्रुप है, इसके द्वारा बोला गया है 29 में से, यानी कि एक तरीके से बोला गया जो वोट दिए गए यहां पर ये फेवर में दी गई है इसके एंथ्रोपोसिनिक जियोलॉजिकल इपोक बनाने के लिए, यानी कि जो युग है ये ऐसा युग चल रहा है जहां पर जो ह्यूमन यानी कि जो इंसान है वो डोमिनेट है आज के डेट में इन्वायरमेंट के ऊपर भी और क्लाइमेट के ऊपर भी, यानी कि इंसानों के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है। तो इसी के चलते यहां पर एक नए युग की शुरुआत यहां पर ये हो चुकी है, जिसको एक नया नाम देने की बात की जा रही है, यानी कि नई चीजों के लिए डेडिकेटेड करने की बात की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है आज की डेट में जो अर्थ है वो इंसानों के द्वारा चेंज हो रही है, तो इसलिए जो होलेसिन इपोक है, जो ये होलेसिन वाला युग था उसको अब हटाकर बोला जा रहा है कि अब यहां पर स्टार्ट हो जा रहा है ये एंथ्रोपोसिनिक इपोक, यानी कि इंसानों के द्वारा इंपैक्ट पड़ने वाला ये इपोक स्टार्ट होने की बात यहां पर की जा रही है। जिसे पहले आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में समुद्र में कुछ छोटी छोटी चीजें पनपी, फिर आगे चल के मछली, फिर आगे चल के ऐसे, और फिर आगे चल के इस तरीके से जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, तो अब इंसानों की बात यहां पर की जा रही है, इंसानों के द्वारा यहां पर चीजें चेंज की जा रही है, तो इस तरीके से इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, हमने बोला था यहां पर कि किस तरीके से यूएन पीस कीपिंग मिशन में कौन कंट्री सबसे ज्यादा फंड करती है और कौन कंट्री सबसे ज्यादा पीस कीपर भेजती है, तो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और फ्रांस सबसे ज्यादा पैसा भेजती है, इथोपिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रवांडा ये सबसे ज्यादा फोर्स भेजती है, यानी कि जो पीस कीपर है। डाइट है पार्लियामेंट का नाम जापान की, चीफ गेस्ट जो थे रिपब्लिक डे पर वो थे सिरिल रामपोसा, यानी कि जो सिरिल रामपोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है वो थे चीफ गेस्ट, और ये सेकंड प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे पे। इससे पहले साउथ अफ्रीका के कौन से प्रेसिडेंट हमारी कंट्री पर आए थे ये पता आप लोगों को, नहीं पता है तो जान के उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर इस साल के लिए, और गांधी जी से काफी अच्छा कनेक्शन उनका माना जाता है। ठीक है, आधे से ज्यादा तो बच्चे समझ गए होंगे कि इनकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो हल्का सा आइडिया उनके बारे में जरूर रखिएगा। अभी जो यहाँ पर ओथ सेरेमनी चल रही है मोदी जी की, इसमें यहाँ पर बिम्स्टेक कंट्री को मेनली चीफ गेस्ट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी फोकस रखिएगा थोड़ा सा। आगे बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया था, तो ये सेप्टेम्बर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हल्की सी न्यूज है, आगे चलता हूं।
चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये डाइवोर्स लॉ की बात की जा रही है, और कौन सी कंट्री के ये बात की जा रही है, आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के बारे में आखिर हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर कुछ न्यूज है जो हमारे इंटरेस्ट की हो जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अभी रेफरेंडम किया गया, रेफरेंडम एक तरीके से वोट डालना होता है, जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या आप लोग ये चाहते हैं यहाँ पर या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर 1995 में जो रेफरेंडम कराया गया था उस टाइम पर जो वोट की गई थी वो बोला गया था कि हाँ कि हम लोगों को ये डाइवोर्स लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर है उसको आप लोग हटा दीजिए, यानी कि आसानी से अगर कोई डाइवोर्स लेना चाहे तो वो ले सकता है। कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पर अबॉर्शन की बात की जा रही थी, अबॉर्शन से रिलेटेड बात ये थी, हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी थी सविता हलपवार, शायद आप लोगों को याद होगा, वो जो पर्सनैलिटी थी उनको वो प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी और उस टाइम पर एक ही को इंसान को बचाया जा सकता था, तो बच्चे को बच्चा ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, माँ की भी जान जा रही थी, पर वहां पर अबॉर्शन करना जरूरी था, अगर अबॉर्ट नहीं किया गया तो इसकी वजह से उनकी जान जा सकती थी। तो यहाँ पर लॉ है कि इस तरीके से अबॉर्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर उस टाइम पर उस पर्सनैलिटी की डेथ हो गई थी। तो काफी रोज देखने को मिला था ऑल ओवर वर्ल्ड में कि इस तरीके से इंसान की जान जा रही है और आप लोगों के लॉ आप लोग लिए बैठे हैं, आखिर इन लॉ का फायदा क्या है जो इंसान के फायदे को जो इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये फंडा देखने को मिला, तो इसी के चलते यहाँ पर ये बात भी की जा रही है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है रेफरेंडम यहाँ पर कराए जाते हैं, जो छोटी कंट्री होती है डायरेक्ट जनता से पूछ ले आते हैं कि जैसे डायरेक्ट जनता से पूछा जाए कि आप लोग जीएसटी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, नोट बैन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, यानी कि जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेफरेंडम देखने को मिलता है, मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्री में काफी देखने को मिलते हैं इस तरीके से रेफरेंडम ये। तो अभी जो रेफरेंडम हो रहा है ये डाइवोर्स यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि डाइवोर्स लॉ को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफी टफ माना जाता है यूरोपियन मेंबर के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से ये इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में, तो जो राज्य से न्यूज निकल कर आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर काफी न्यूज में था, खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, इसी के साथ में केरला और पौंडीचेरी, तो चार पार्टनर है यहाँ पर जिनके अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कावेरी वाटर है, तो उसी के चलते काफी डिस्प्यूट भी रहता है, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर काफी लंबे समय से ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है। अभी यहाँ पर कर्नाटक को बोला गया है रिलीज करने के लिए 9.19 TMCFT वाटर यहाँ पर जून महीने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, क्योंकि मॉनसून में अगर जरा से भी ऊपर नीचे होती है चीजें तो फिर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। टोटल मिलाकर जो आज के दिन में वाटर का शेयर है लगभग 284, ये यहाँ पर कर्नाटक का है, ये 404 यहाँ पर इसका तमिलनाडु का है, 30 यानी कि 30 TMCFT यहाँ पर केरला का है, और सबसे कम है पौंडीचेरी का 7 के करीब। तो ये डेटा भी आप लोग कोट कर सकते हैं अगर कहीं इसके बारे में पूछा जाए आप लोगों से। तो कोर्ट ने इसी के साथ में 10 TMCFT यहाँ पर जो एनवायरमेंट पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर नेचुरल फ्लो को मेंटेन रखने के लिए भी यहाँ पर यूज करने की बात की गई थी, यानी कि अभी जो रिसेंटली जब थर्ड मीटिंग हुई थी यहाँ लास्ट जून 2018 में, उस टाइम पर बात की गई थी कावेरी वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर देखेगा, अगर मॉनसून अच्छा रहता है उसके हिसाब से सिचुएशन हैंडल की जाएगी, मॉनसून अगर कम रहता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, यानी कि सारा काम जो किया जाएगा वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट बॉडी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इसका गठन किया गया था, इसका जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम 2018 में स्टेब्लिश की गई थी 1 जून को, तब से लेकर यहाँ पर चीजों को इस तरीके से देखा जा रहा है। अगर बात करें इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 में आ गया, जब हमारी कंट्री में नए राज्य बनाए जा रहे थे, तो नए नए राज्य बन रहे थे, डिवाइड हो रही थी उनकी बाउंड्री, तो जो रिवर फ्लो होती है उनको थोड़ी ना पता है किस बाउंड्री से किस बाउंड्री में जाना है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये देखने को वहां पर मिल रही थी काफी लार्ज स्केल पर, कि जो भी ये पर्टिकुलर एरिया हुआ करता था उसमें ये देखा जाता था कि किस तरीके सिचुएशन को हैंडल करना है, यानी कि डिस्प्यूट अगर होता है राज्य के अंदर, एक राज्य बोलता है मैं पानी नहीं दूंगा, दूसरा बोलता है मैं पानी नहीं दूंगा, तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है, तो उसी के चलते यहां पर लाया, और तब से काफी लंबे समय से ये दिक्कत चल रही है, और अलग अलग राज्य के बीच में आज की डेट में पानी को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, ठीक है। अच्छा, कोई भी बड़े डिस्प्यूट, तीन बड़े डिस्प्यूट का नाम तो जरा लिखिए, कावेरी आप लोगों के सामने हो गया, तीन बड़ी रिवर के नाम लिखे नीचे जो दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही है उस रिवर को लेकर, यह आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग अगर लिख रहे हैं आप लोग कहीं पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं, जब भी वाटर के बारे में बात आती है, कंजर्वेशन के बारे में बात आती है, वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात आती है, तो यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग पेपर लगाते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, तो आइडिया रखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में, तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में बात की जा रही है। आखिर क्या है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? सेबी के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर एक डिस्कशन पेपर फ्रेमवर्क आप लोग बोल सकते हैं
ये बोला गया है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक तरीका फ्रेमवर्क है ये फिनटेक टेस्टिंग के लिए, यानी कि कोई भी अगर आप लोग कोई भी टेस्टिंग करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट होता है, कोई प्रोसीजर होता है, कोई सर्विस होती है, कोई बिजनेस मॉडल होता है, तो किस तरीके से वो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होना है और कैसे सिचुएशन को लेकर चलना है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है बेसिकली ये पूरा जो प्रोसीजर होता है उसको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, तो ढंग से उसको आगे लेकर चला जाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि ताकि इन्वेस्टर को भी फायदा हो और जनता को भी फायदा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, उसके चलते यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हर एक जो भी कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहता है देखते हैं उसको बाद में अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी जो भी यहाँ पर रजिस्टर है सेबी के अंदर, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, उनको यहाँ पर खासकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े और ये कोई भी अगर कोई भी नई एजेंसी नई सर्विस कोई भी चीजें लेकर आती है उसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सेबी का फ्रेमवर्क है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जब भी आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया होगा तो आप लोगों को कई सारी सर्विसेज का पता होगा, निफ्टी बोलते हैं या आरटीजीएस बोलते हैं या फिर आईएमपीएस बोलते हैं, ये वो सर्विसेज है जिनसे आप लोग इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले जो इसका टाइम था वो 4:30 बजे तक हुआ करता था शाम को, अब इसको 1.5 घंटा बढ़ा दिया है, 6 बजे तक अब आप लोग आरटीजीएस कर सकते हैं। ये ज्यादा बड़ी मनी अगर आप लोग सेंड करते हैं किसी को तो उसके लिए यहाँ पर आरटीजीएस यूज किया जाता है। मिनिमम अमाउंट जो ट्रांजेक्शन का है यहाँ पर वो लगभग 2 लाख यहाँ पर मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, उससे ज्यादा ही, यानी कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख से कम आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो रियल टाइम में मैक्सिमम अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाता है, आईएमपीएस की जो लिमिट रहती है वो कितनी रहती है, वो 2 लाख तक आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 2 लाख है, यानी कि अगर उससे ऊपर जाना है आप लोगों तो आरटीजीएस आप लोगों को करना पड़ेगा। उसकी जो टाइम लिमिट थी पहले 4:30 बजे हुआ करती थी, अब इसको 6 बजे कर दी ताकि और ज्यादा सुगम इसको बनाया जा सके और ज्यादा जनता इसको यूज कर सके और आसानी से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रह सके। और देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है उससे फायदा ये रह जाता है कि फंड आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ता, ऑनलाइन जरा सी देर में ट्रांजेक्शन हो जाता है और ये सिक्योर ट्रांजेक्शन भी माना जाता है। तो इसी के चलते कस्टमर को भी फायदा हो और बैंकिंग सिस्टम को भी फायदा हो और रिलायबल बैंकिंग सिस्टम बनाया जा सके, बेसिक पर्पज इसका ये है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हेल्थ और मेडिसिन के बारे में। तो हेल्थ और जो मेडिसिन की बात की जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अभी बर्न आउट एक टर्म है, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। क्या मतलब है इसका, मैं आप लोगों को बोलूँ कि सुबह से उठना आप लोगों को 7 बजे और शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना एक जगह से उठना है, तो क्या आप लोग ये कर पाएंगे? आप लोग बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया और ये हमारा भी दिमाग खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कुछ ऐसी फीलिंग आप लोग निकल कर आएगी। तो कुछ ऐसा ही काम होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट नहीं होता पर फिर भी करते हैं। तो ये एक टर्म दी गई है उसके लिए कि हाँ इससे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, भैया ये नहीं करना है हम लोग को। बेसिकली ये एक सिंड्रोम आज के डेट में हो चुका है, एक तरीके की बीमारी की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर फीलिंग होती है एंग्री टाइप की होती है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं किसी चीज से, मेंटल डिस्टेंस यहां पर रहती है जॉब से कि हाँ जॉब करनी है पर लेकिन मन नहीं कर रहा है करने का, जो इफिशियंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो तब ये इस तरीके की सिचुएशन निकल कर आती है। तो जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो बात की जा रही है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज की, जिससे रिलेटेड अभी जनेवा में ही मीटिंग होती हुई नजर आई, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो बर्न आउट है किसी काम को लेकर एग्जॉस्ट हो जाना, इसको भी उसी लिस्ट में यहाँ पर डाल दो, ठीक है, यानी कि ये भी आज के दिन बहुत लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों को वो जॉब नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। तो इसीलिए कई बार तो ये देखने को मिलेगा अंडर एम्प्लॉयड है लोग, पीएचडी कर बैठे हैं पर लेकिन कर क्या रहे हैं, सिपाही की जॉब कर रहे हैं, क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, पियोन की जॉब कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो ये जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ये क्रिएट किया गया था 1948 में, तो इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है, जब जब यहां पर कुछ बातें नहीं लगती है तो उसमें डाल देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10th रिवीजन अभी इसका देखने को मिला जिसमें बर्नआउट को डाला गया यहां पर, ठीक है। और किरण रिजिजू ने भी यहां पर ओथ ले लिया अभी, जो कि आप लोग काफी न्यूज में देखने को मिलते हैं, ये भी मिनिस्ट्री में है। ओके आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। तो ये जो अभी एक नया मटेरियल बोला जा रहा है जो कि लैंथियम सुपर हाइड्राइड के बारे में बात की जा रही है, ये जो मटेरियल है ये बोला गया कि सुपर कंडक्टर की तरीके से काम करेगा। आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है, देखिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा या आप लोगों ने 10th 12th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा हल्का सा, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जब भेजा जाता है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज जो होती है वो करंट होती है, वी इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उसी के चलते जो प्रॉब्लम ये निकल के आती है, कई बार सिचुएशन ये आती है कि रेजिस्टेंस जो होता है अगर आप लोग रेजिस्टेंस को वहां पर बिल्कुल जीरो कर देते हैं तो सब सिचुएशन सही रहेगी।
या फिर इसे आप लोग कन्वर्ट कर आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं आई इज कल टू, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो वी अपॉन आर होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा यहां पर हो जाएगा उतना ही करंट फ्लो यहां पर आप लोग कम नजर आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा इसकी वैल्यू तो उतना ही ज्यादा वो कम आप लोगों की करंट निकल कर आएगी। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा करंट आप लोगों को फ्लो होती नजर आएगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी हो जाएगी ऊपर वाली संख्या उतनी ही कम हो जाएगी, इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर अभी बोला गया सुपर कंडक्टिविटी यहां पर निकल कर आ रही है और ये यूएसए में ये स्टडी की गई है। बोला गया पहले 23 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती थी, अब जंप हो गया 50 डिग्री सेल्सियस तक, यहां पर कंफर्म कर दिया है, ये रिकॉर्ड यहां पर एक नया बन रहा है जिसके चलते अगर सुपर कंडक्टर बन जाता है तो आने वाले टाइम पे और लार्ज स्केल पर आप लोग कनेक्टिविटी कर पाएंगे, यहां पर आसानी से चीजों को हैंडल कर पाएंगे, लॉस हुए इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे काफी लार्ज स्केल पर। पहले जो माना जाता था सुपर कंडक्टर अगर बनाना है कोई तो उसको एक्सट्रीमली माइनस टेम्परेचर पर लेकर जाना पड़ता था, यानी कि ये माइनस 240 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना पड़ता था, जो कि अभी यहां पर आप लोग देखते हैं ये 23 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस तक भी सुपर कंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। आखिर ऐसा क्या है सिस्टम, सिस्टम ये देखिए इसको भी आप लोग थोड़ा समझिए, ये साइंस की थोड़ी टर्म है, हालांकि अगर आप लोग से आकर कोई पूछे इस तरीके से कि क्या बात चल रही है तो ये चल रहा है कि देखिए जैसे टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मान लीजिए कोई वायर है तो वायर में जो भी एटम वगैरह है वो हिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने लगता है वहां पर, तो इसलिए माइनस में ले जाकर उसको कोशिश की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए, वी इज इक्वल टू आई आर याद रखेंगे तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आप लोगों के सामने पॉलिटिकल रिवीजन है, यहां पर पोजीशन ऑफ विधान परिषद कंपेयर किया जा रहा है विधानसभा के साथ में। ठीक है, विधान परिषद विधानसभा में कंपेयर किया जा रहा है और ये लेक्चर आप लोगों के सामने है, जाकर इसको देखिएगा और इसके बारे में चार पांच शब्द लिखने की, यानी कि 20-30 शब्द लिखने को इसकी जगह डेफिनेशन वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और आज आप लोग नेशनल पार्क नहीं लगा पाया, टाइम नहीं मिला इसकी वजह से, क्योंकि ओथ सेरेमनी भी देख रहा था, थोड़ा बाहर बाहर गया था, थोड़ा आने में भी लेट हो गया, तो इसलिए ये अब ही यहां पर इसमें आज आपका नेशनल पार्क नहीं होगा, तो कल आप लोगों का नेशनल पार्क आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, पुराना ही है, यहां पर चेंज नहीं कर पाया मैं इसको, महात्मा गांधी जो मैराइन नेशनल पार्क के बारे में बात करती है, इसका ही रिविजन कर लीजिए। ठीक है, 1983 आप लोग यहां पर देखते हैं, बाकी ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में है। ओके, आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में बात करेंगे फिर यहां पर आज के क्विज के, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर एक क्विज के बारे में बात की, इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर समझा कि किस तरीके से एक नई जो इवेंट होने वाला है स्पेन के अंदर उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला, नेक्स्ट यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का जो अभी एग्रीमेंट है उसके बारे में समझा, मलेशिया ने बोल दिया है वो किसी की भी पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह नहीं लेंगे, उत्तर प्रदेश लार्ज स्केल पर काम करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, ओस्कर के बारे में हम लोगों ने बात की, और नेक्स्ट यहां पर एक नया एरा स्टार्ट करने की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। डाइवोर्स ला के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर आयरलैंड के कावेरी मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की। अच्छा ये बताइए, बेसिकली ये जो यहाँ पर जो बात की जा रही है, इससे पहले जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो इससे पहले जो डिसीजन था ट्रिब्यूनल का वो कब का डिसीजन था, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वोटर का वो आप लोगों को बताना है। अभी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से एक बार रिविजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी न्यूज में है ये। आगे बात करी हम लोगों ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में, नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर वो रियल टाइम जो आरटीजीएस है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला, ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जरूर रखा कीजिए, पैसा ट्रांसफर करना है तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए, कई बार न्यूज में आ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हम लोगों ने जारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जाकर पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जानने को मिली, इसके अलावा ये था पॉलिटिकल रिविजन। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, जो आज का क्विज है यहां पर ये बात की जा रही है एशियन यूथ चैंपियन डॉक्टर रोहिणी राव के बारे में। ठीक है, तो अभी यहां पर एक चैंपियनशिप होने वाली है, तो यहां पर आप लोगों को बताना है ये कहां पर होने वाली है। नेक्स्ट बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, किसके साथ में इसके द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रेसिडेंट को ने यहां पर ओस्कर एकेडमी के उनके द्वारा अभी यहां पर लॉन्च किया गया डिजिटल डायलिमा। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ कौन सी कंट्री है यहां पर जिसके द्वारा अभी रिसेंटली डाइवोर्स से रिलेटेड रेफरेंडम देखने को मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बर्नआउट करके यहां पर रिसेंटली अभी बोला गया एक नया इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन किया गया डिसीज का, ये कहां पर अभी ये मीटिंग हो रही थी इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आरटीजीएस का टाइम पीरियड अब क्या कर दिया गया पहले के कंपेयर में ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आता तो लाइक करना मत भूला कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, जोरों शोरों से लगे रहिए, अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए,
लिए यही टाइम होता है, यही लाइफ होती है, आप लोगों को एक अच्छी लाइफ बनाने का मौका मिलता है। इसके बाद में अगर आप लोग अब मेहनत कर लेंगे तो जिंदगी भर आप लोग इंजॉय करने वाले चीजों को, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लाइफ को इंजॉय कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में, और आई होप कि आप लोग मॉर्निंग वाला लेक्चर इंजॉय कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही काम आने वाली है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।